नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अपन 24 न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन हो या मांगे हो उनको लेकर अलग अलग विभाग से लोग जो है वो किस तरीके से कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करते रहते हैं और इस बार खड़े हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और कंप्यूटर टीचर, जो कि अपनी मांगों को लेकर आगामी समय के अंदर मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसको लेकर क्या कुछ उनकी मांगे हैं। हालांकि बता दें, पिछले साल भी इसी तरीके से कंप्यूटर लैब अटेंडेंट अपनी मांगों को लेकर ही जो है वो धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और आज फिर से पहुंचे हैं रोड धर्मशाला में। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिनको लेकर आगामी समय में बता रहे हैं 11 तारीख को जो है ये अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास स्थान पर प्रदेश भर के जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हैं वो पहुंचने वाले हैं। बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिसको लेकर फिलहाल आप धरना प्रदर्शन अभी आगे करने वाले हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? मेरा नाम है करमजीत संधू, मैं कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन 00712 से राज्य प्रधान हूँ। मैं कंप्यूटर लैब सहायक के बारे में आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर लैब सहायक 2011 से, मतलब पिछले 12 या 13 सालों से हरियाणा के सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं। तो कंप्यूटर लैब सहायक को मात्र इस समय 12,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, 12,000, सिर्फ 12,000 रुपये वेतन है और वो वेतन भी हमें 4-4 महीने के बाद मिलता है। तो इस चीज़ से हम तंग आ चुके हैं क्योंकि बहुत इतने कम वेतन में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो सर्दी की छुट्टियां चली हुई हैं स्कूलों के अंदर, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां हैं, तो उन छुट्टियों का वेतन हमें नहीं दिया जाता। अच्छा। और उन छुट्टियों में हमारे से काम लिया जाता है। अच्छा, छुट्टियों में आप काम कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं, लेकिन वेतन नहीं लिया, वेतन नहीं दिया जाता। तो बकायदा आप ऑफिस में, मतलब स्कूल पहुँचते हैं, हरियाणा के स्कूलों में जाते हैं, काम करते हैं, प्रिंसिपल हेडमास्टर हमें बुलाते हैं, काम लेते हैं, लेकिन वेतन हमारे को नहीं दिया जाता है। और मात्र वेतन 12,000 रुपये है। 1 जून से 30 जून का गर्मियाँ काट लिया जाता है। अच्छा। और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दियाँ काट लिया जाता है। तो अभी एक पिछले दिनों हमारी फाइल चली हुई है, 3 मांगों की हमारी फाइल है, गर्मी सर्दी का वेतन, वेतन बढ़ोतरी और मेडिकल, जो कई बार आ चुकी है, मुख्यमंत्री लेवल पे भी आ चुकी है, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। मेडिकल सुविधा नहीं मिली, मेडिकल सुविधा कोई नहीं मिली, उसकी भी डिमांड है उसमें। तो इस चीज़ से हम तंग आके हमने 11 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान किया है। अच्छा। मुख्यमंत्री आवास का हम गहरा अब करेंगे 11 जनवरी को ठीक 10 बजे हम कर्ण पार्क में इकट्ठा होंगे और आगे मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में करनाल में उनके निवास स्थान का गहरा आप करेंगे। तो कितने लैब अटेंडेंट हैं? हम 2200 लैब अटेंडेंट हैं, 2200 लैब अटेंडेंट पूरे हरियाणा में कार्यरत हैं। लेकिन आज हमारे साथी भी हैं कंप्यूटर टीचर 2000। अच्छा। वो भी हरियाणा में हमारी ही तरह कार्यरत हैं। तो अच्छा। इसके लिए आज हमारी सांझी मीटिंग हुई है, तो आज से हम एक होकर लड़ेंगे और 11 तारीख को कंप्यूटर टीचर भी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट भी इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी निवास स्थान का गहरा आप करेंगे। कंप्यूटर टीचर क्या हैं इसके बारे में उनके राज्य प्रधान आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से भी आप बता रहे हैं कि अभी आप निवास स्थान पर मुख्यमंत्री के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ मांगे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं और क्या इसके बारे में कभी कोई बातचीत हुई है सरकार से आपके? जी, मेरा नाम बलराम धीमान है और मैं कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन से राज्य प्रधान हूँ। सरकार से हमारी बहुत बार बातचीत हुई है, बहुत बार हम लोगों को वायदे किए गए। चुनाव 2014 की बात करें, चुनाव 2019 की बात करें, तो हर मंत्री ने, हर एमएलए ने हम लोगों को विश्वास दिलाया हमारी सरकार आने पे आपका रोज़गार पक्का किया जाएगा। पक्का करना तो दूर, हम लोगों को पक्का जैसा भी नहीं किया गया। अब जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अब दोबारा बताते हैं कि गर्मी सर्दी की जो छुट्टियां पड़ती हैं जून में और ये जनवरी में, इसमें हम लोगों का वेतन काट लिया जाता है, का वेतन नहीं मिलता, नहीं मिलता जी, और काम करवाया जाता है। अब जैसे COVID-19 की ड्यूटी थी, कोविड में भी हमने काम किया, इलेक्शन ड्यूटी देते हैं, BLO के ड्यूटियाँ हैं हम लोगों के ऊपर, स्कूल का जो ऑनलाइन काम है, MIS का काम है, PFMS का काम है, लैब सहायक और कंप्यूटर टीचर के सहारे चला हुआ है, हम लोग अपना पूरा साथ देते हैं। पिछले 10-11 साल से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं अपनी, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना हमारी कोई सेवा सुरक्षा है, ना मेडिकल का कोई सुविधा दी जाती है, ना ESI EPF कुछ नहीं, बल्कि हम लोगों का वेतन और उल्टा काट लिया जाता है। इस वजह से हम लोग जो परेशान हैं, 2000 के लगभग हम कंप्यूटर टीचर प्रदेश भर में काम करते हैं, और जब CM साहब ने, FD ने या किसी भी महकमे ने हम लोगों की मांगे नहीं मानी, तो हम लोगों ने वो सड़कों पर उतरने का वो मतलब अपना फैसला किया है। आज करनाल की रोड धर्मशाला में
प्रदेश भर से आए स्टेट के पदाधिकारी, कंप्यूटर टीचर और लैब सहायक साथी इकट्ठे हुए। हम लोगों ने अपनी मीटिंग करी और 11 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का हम लोगों का ऐलान है। हम प्रदेश भर के कंप्यूटर टीचर और लैब सहायक साथी करनाल के करण पार्क में 11 जनवरी को इकट्ठे होंगे और यहां से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। तो कुल कितने जो है मतलब प्रदेश भर में, जैसे कि सारे प्रदेश भर से सभी लैब? हाँ जी, पूरे 22 के 22 जिलों में 2200 के लगभग लैब अटेंडेंट काम कर रहे हैं और 2100 के लगभग जो है वो कंप्यूटर टीचर हैं। सभी लोग? हाँ जी, पूरे 4200 लोग हैं हम और सभी के सभी यहाँ पे इकट्ठे होंगे। जी जी, क्या नाम है आपका? जी बलराम धीमान नाम है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर सभी कंप्यूटर लैब सहायक, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि पिछले वर्ष भी अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही फिलहाल अपनी बात कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर है कि 11 तारीख को जो है अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए ये सभी वहां पर जो है एक तरीके से पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर। और अभी फिलहाल तस्वीरें करनाल की रोड धर्मशाला से, तो सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर। जिस तरीके से आने वाले समय के अंदर चुनाव भी नजदीक है और धीरे धीरे लोगों की जो मांगे हैं वो किस तरीके से सामने जरूर आ रही है। हालांकि पहले भी इसी तरीके से जो अलग अलग विभाग के जो लोग हैं वो अपने धरने प्रदर्शन से लेकर जो है अपनी मांगों को लेकर कैमरे के सामने जरूर रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या कुछ आगामी समय में होता है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल जिस तरीके से हमारी बात हुई है, अभी फिलहाल एक और जो है अभी धरना प्रदर्शन होने वाले हैं मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।